नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर जो है केदारनाथ। यहाँ मान्यता है कि पूर्वजों की मुक्ति के लिए यहाँ दर्शन किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ मंदिर, यहाँ के अद्भुत वादियों और हमारे इस यात्रा के अनुभव को साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत गोरखपुर शहर से हरिद्वार तक ट्रेन के द्वारा की गई। उसके बाद हरिद्वार से हम ऋषिकेश गए। ऋषिकेश से हमने टैक्सी लिया और हम सोनप्रयाग के रास्ते पर चल पड़े, लेकिन रास्ते में काफ़ी अंधेरा हो जाने के कारण हमें उत्तरकाशी में रुकना पड़ गया। वहाँ हम एक रात रुके और उसके बाद हम फिर वहाँ से सोनप्रयाग के लिए सुबह निकल पड़े। सोनप्रयाग से हम गौरीकुंड गए। गौरीकुंड में स्नान करने के लिए गर्म पानी का एक कुंड भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से केदारनाथ की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रास्ता करीब 16 किलोमीटर का है, जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है लेकिन बेहद खूबसूरत है। रास्ते में कई जगह पर चाय और खाने के स्टॉल मिलेंगे, जहाँ आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। यह यात्रा जो पैदल यह है वह हेलीकॉप्टर वाले सफ़र से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ प्रकृति से आप रूबरू होंगे। आखिरकार हम पहुँच गए केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ की अद्भुत शांति और देवता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ पर पूजा अर्चना करने का एक अलग ही अनुभव है। मंदिर दर्शन के बाद हमने यहाँ के आसपास की जगहों को भी देखा। हिमालय की गोद में बसे इस छोटे से गाँव में एक अलग शांति है। यहाँ पर आप केदारनाथ प्रकृति सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी केदारनाथ यात्रा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले यात्रा पर। जय भोले।